हाँ बहुत भीड़ हो जाता है और मतलब बसें जाएगी, बहुत दुर्घटना होने की शंका रहती है। जी 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 हो जाएगी जी। क्या नुकसान है, वही मने खा ले ऊँचे गिर पड़े और कौन है एक्सीडेंट हो जाए। न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम फिर इसी मार्ग रामगंज और चमनगंज पर आ गए हैं और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी यहाँ पर 14 तारीख को होगा। जब दशहरे के दिन भीड़भाड़ होगी और भीड़भाड़ के दौरान जब इसी रूट पर डायवर्जन कर दिया जाता है, क्योंकि बीच में जो है वहाँ पर रावण का दहन होता है, तो इसी मार्ग पर पुलिस या प्रशासन जो है डायवर्जन कर देता है, तो सारा इसी पर भीड़भाड़ आ जाता है। दोपहिया वाहन, बसें, ट्रक, साइकिल सवार, पैदल सवार सब इसी मार्ग से होकर जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा पास दिखाइएगा, ये सड़क जो है PWD के अंदर जाता है, तो इसलिए जब हम लोगों ने इस मुद्दा को उठाया था और दुर्गा पूजा समिति ने भी इस मुद्दे को उठाया, खबर चली तो इस पर PWD ने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर गड्ढों पर गिट्टियाँ पड़ गई हैं और आगे भी देखिएगा, यहाँ पर गिट्टियाँ PWD ने बिछा दिया है। अब इसके बाद क्या करेगी, फिलहाल हम लोगों की मांग है अब इस पर तारकोल बिछाएँ और इसका डामरीकरण करें। देखिएगा अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे, इस पर गिट्टियाँ पड़ गई हैं, लेकिन इसमें एक समस्या आ गई है, ये जो यहाँ पे तारकोल बिछी है, ये तारकोल के हमारे दाहिने हाथ के साइड में वहाँ से चमनगंज रेलवे क्रॉसिंग तक ये रेलवे के अंडर में आता है ना, तो यहाँ पर ग्राम प्रधान कहते हैं भैया इसको हम नहीं करा पाएंगे, हमारे अंडर में नहीं आता है, और PWD ने भी इसी के बाएँ हाथ तक करके अपनी जिम्मेदारी से किनारा कस लिया। अब अभी आप आगे जाएंगे तो आगे भी यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं और फाटक के नीचे तो इतना बड़ा गड्ढा है कि जब जाम चलेगा और सरसों डालने की जगह नहीं रहेगी, लोग चोटिल होंगे, घायल होंगे और उनको काफ़ी समस्या होगी। तो हम कुछ लोगों से जानकारी करते हैं। भैया जरा नाम बताइए। भैया आप? मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता है। तो ज़रा बताइए, ये सड़क टूटी हुई है तो आप भी यहीं पर अपना दुकान लगाते हैं, ये सड़क जो है कब से यहाँ पर टूटी? भैया बहुत दिन सर, बहुत दिन से टूटी हुई है जी। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर इसको जो है थोड़ा ठीक ठाक जो किया गया था करीब मान चलिए 6 महीना पहले। हाँ, 6 महीने पर ठीक हो, ठीक किया गया था, फिर जो टूट गई बरसात की वजह से खराब हो गया, पानी गिरा। अच्छा, पानी खराब हो गया। हाँ, पानी की वजह से खराब हो गया। नहीं तो परसों हम लोगों ने इस मुद्दे को जो है उठाया था और इसको खबर उबर चली थी, तो इस पर PWD ने अपना काम जो है कर दिया है जी। लेकिन इधर रेलवे के अंदर आता है तो अभी तक ये काम वो नहीं हुआ। अभी नहीं, तो आप इस लापरवाही को क्या कहेंगे, क्योंकि दशहरे दिन इसी मार्ग पर बड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है। यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है और मतलब बसें जाएगी, बहुत दुर्घटना होने की शंका रहती है। जी जी जी। हो जाएगी जी। सबसे ज्यादा चौरा चमनगंज रेलवे स्टेशन हाँ। पर वहाँ बहुत भारी गड्ढा है, वहाँ पर जो है ढलान भी जी। हाँ, वहाँ पर ढलान भी है, उससे लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा जी जी। तो आप इस लापरवाही पर क्या बोलेंगे सर? उसको तुरंत बनवाया जाए बस। जी हाँ। तो जैसे आप इसी मार्ग से होते हुए कई इंटर कॉलेज पढ़ते हैं, रेलवे पढ़ता है, बस स्टॉप पढ़ता है, क्या आपने देखा कि कभी कुछ लोग या जो है स्कूली बच्चे आए गिरे चोटिल हुए? हाँ, सब ऐसे आते जाते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं मौके पे। अच्छा, भीड़ भाड़ होता है और का। तो क्या दादा आपका मकान जो यहीं कहीं लोकल है कहीं दूर के? पुरौगा मकान में है, इसका मतलब आप पास के हैं। तो क्या आपने देखा कि कभी यहाँ पे बच्चे आए गिरे चोटिल हुए? अरे बच्चे हुए करते थे ढेर। अच्छा, साइकिल से आज गिर पे कर रहे थे, साइकिल से आए गिरे चोटिल हुए, क्योंकि जब इस पर भीड़ हो जाता है और जब यहाँ पे जो है दशहरा पड़ेगा तो दशहरे दिन तो एकदम ओवरलोड भीड़ हो जाए और क्या। चलिए, तो यहाँ पर दुर्घटना की आशंका है, फिलहाल PWD ने तो अपना काम कर दिया है, करना शुरू कर दिया है, अब उसको तारकोल को बिछा कर डामरीकरण करना है। तो ज़रा हम इन लोगों से पूछते हैं, आप लोग स्थानीय यहाँ पे हैं, आप लोगों का कहाँ पे मकान है? पुरौगा। तो आप लोग यहाँ पे शाम को आते हैं अपना जो जानवर वानवर चराने, तो क्या यहाँ पे दिक्कत होता है जरा कुछ जानकारी दीजिए? भीड़ भाड़ हो जाते ना, गोरू ना गए पावे, मन ही ना गए पावे, एक तो कहूँ भीड़ भाड़ हो जाते, लड़े भिड़े के अच्छा आवश्यकता हो जाते हैं जी। तो जैसे यहाँ पर जो पहले गड्ढे थे, इस पर जो गिट्टी उट्टी जो बिछ गई है 2 दिन जो पहले हमें लग रहा है, जानकारी मिल रही तो कुछ। हाँ, कभी आपने इसकी गिट्टी जो बिछाते हुए देखा? ना देखो, तो हमें लगता है कि रात वात में गिट्टियाँ उट्टियाँ इस पर बिछा दी गई हों। तो जैसे इस गड्ढों में गड्ढे के होने से क्या क्या यहाँ पे नुकसान है जरा बता दीजिए? ये जो रास्ते में गड्ढा है इससे जो नुकसान क्या है? क्या नुकसान है, वही मने खा ले ऊँचे गिर पड़े
और कौन हुए एक्सीडेंट हो जाए हाला ऊंचा रहा है कि फिसल का स्लिप खाए गए जब सड़क ना सही बा तो आदमी गिर जाए दो जने रही है कि बस गिर गए तार ऊपर चोटाए इससे बच गए थोड़ा। अच्छा कब की बात है? कल की, कल शाम की। हाँ और इसके पहले? इसके पहले ऐसे सब चलता है एकदम, स्कूल से बच्चे जाते हैं तो जाना मुश्किल हो जाता है, गिर पड़ जाते हैं। यहाँ पर PWD लगता है कि वो अपना काम कर रही है, क्योंकि ये नगर पंचायत से नहीं हुआ, आज हमारी यू साहब से बात हुई है तो यू ने बताया कि वो नगर पंचायत के अंदर नहीं है, वो PWD का है और PWD अपना गिट्टी बिछाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर रेलवे विभाग से भी हम लोग वार्ता करेंगे कि आप इस पर भी अविलंब 2-3 दिन में इस मार्ग पर गड्ढों पर गिट्टी बिछा दें, नहीं तो यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है दशहरा के दिन और विसर्जन के दिन, दोनों दिन यहाँ पर जब डायवर्जन हो जाएगा तो लोगों को बड़ी समस्या होगी। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।